उनके बॉडी से टच नहीं कीजिए। आपकी ट्रेनिंग हो गई वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आपको कैसे बुझाना है, फायर एक्सटिंग्विशर हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए हमारे जी की तरफ से रोहित हैं, तो आपको वो डेमोंस्ट्रेशन करके बताएंगे, ठीक। तो रोहित सबसे पहले हमें रोहित पूरा प्रैक्टिकल करके बताओ, चेक पहले हमें, हाँ बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले जो हमारे पिन के साथ ये पिन लगी होती है, इसको खींचना है, ये खींच लिया, खोल दिया, उसके बाद हमें ये वाली पिन खोलनी है, प्रेशर बना होता है इसमें, ये पिन खोली, इसको ये जो नोक लगा हुआ है ये निकाल दिया, देखो नीचे से नोक निकल गई, इसके बाद हम ये डिस्चार्ज ट्यूब खोलेंगे यहाँ से जो हमारी है, इसको लाने का तरीका बताओ, ठीक है। मैं बता दूं, जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर लाते हैं लोकेशन से, ठीक है, तो उसको ऐसे हाथ में लटका के नहीं लाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर छोटा है, ठीक है, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा कुछ फायर एक्सटिंग्विशर जैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है वो बड़ा होता है, किसी किसी बंदे की हाइट भी छोटी होती है, तो वो क्या होगा, नीचे टकराता जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जब फायर होगी तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ें जल्दी में, मतलब एमरजेंसी की चीज़ों को हमें जल्दी में करना है तैयारी के साथ, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, वो नीचे रगड़ के रखने के चांसेस हैं, और उसका जो है नोजल वोजल कुछ चीज़ें टूटने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर करते से एक बार लेना है हमारे कंधे पर, हमें पीने लगा दो, हाँ ऐसे पकड़ना है, ऐसे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सोच आग जली हुई है, आप बुझा सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। यूज किया है, फिर हमें इसका हवा का क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है, अभी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो वो हमें किस तरह खड़ा होना है, आप अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जहाँ पर बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उनमें आपको पता कैसे चलेगा, हवा नहीं पता चल रहा है हवा का फ्लो का, ठीक है, यहाँ तो हमें धुएं का पता चल रहा है, तो विंड सॉक लगे होते हैं, ठीक है, तो विंड सॉक लगे होते हैं, उससे हमें डायरेक्शन पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद एम ले लिया हमने, एम ले लो, एम ले लो, ठीक है। अब आगे क्या था हमारा, थोड़ा आगे बोलो, एम द बेस ऑफ फायर, ये बेस नहीं है, बेस बेस ये बेस दूर बेस दूर से ना, ठीक है, वो आ सकता है, ये पाउडर आ सकता है थोड़ा दूर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें स्किज नोजल दबाना है, और डायरेक्शन नोजल दबा के डायरेक्शन यूनिक में, अब प्रेशर खत्म हो गया, इसका अब नहीं चलेगा, क्यों। जब भी अगर आपको ऐसा लगता है फायर होती है, फायर